बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम YouTube चैनल फजर किचन में बना रहे हैं क्रिस्पी मज़ेदार पापड़ की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी होती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अब चलें इस पापड़ को हम किस तरह बनाएंगे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन अभी पा सके। शरण थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी कुरकुरे पापड़ बनाने के लिए हमने इस तरह से पापड़ की शेप वाले पास्ता ले लिया है। आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आपके बच्चे जो शौक से खाते हों। और इस तरफ हमने एक बर्तन में पानी बॉइल कर लिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून। और ये हमने एक पैकेट पास्ता का लिया था इस तरह से, और ये 400 ग्राम है, यानी कि 400 ग्राम। अब इसमें ऐड करेंगे पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पास्ता को हम तकरीबन 8 से 9 मिनट तक बॉईल करेंगे, ताकि अच्छे से गल जाए। अब माशाल्लाह 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है, इस तरह से देख सकते हैं। तो अब हम पास्ता को निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब पास्ते का हमने पानी निकाल लिया है, अब इसे हम एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमने हाफ पास्ता ले लिया है, इसमें हम 3 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। अब इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। इस तरह से हमने छन्नी में ऐड किया है, ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पास्ता। जैसे ही आप पास्ता जो है वो ऑयल में डालें, उस वक्त आपने टच नहीं करना, उसके बाद 2-3 मिनट बाद आपने इसको मिक्स करना है। और आपने इनको हल्की फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है, ब्राउन। अब माशाल्लाह ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जैसे ही ये गुलगुलियाँ ख़त्म होंगी, उसी वक्त आपने टच करना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पास्ता की फ्राई होने की। ये आप बच्चों को बना के देंगे, आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ये क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी क्रिस्पी बनती है। और ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये भी फ्राई हो चुके हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे भी पापड़ फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह पापड़ हमने फ्राई कर लिए हैं इस तरह से। इसमें जो है वो हल्का हल्का ऑयल होना चाहिए, ताकि जो हम ऊपर से मसाला लगाएं वो अच्छे से पापड़ के साथ लग जाए। अब इन पापड़ों को हम एक बाउल में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काला नमक, ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब माशाल्लाह मसाले हमने अच्छे से कोट कर लिए हैं पापड़ के ऊपर, इस तरह आप देख सकते हैं। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छे से मसाला कोट हो चुका है। तो अब चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। पापड़ को डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे बने हैं। बच्चों को खुश कर देने वाली रेसिपी क्रिस्पी मज़ेदार
पापड़ माशाल्लाह डिश आउट कर लिए हैं, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इन्हें एक बार बनाएंगे, आपको इन पापड़ों को बार बार बनाने का दिल करेगा, क्योंकि बच्चों के फेवरेट हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और एक आपको चेक करके बताएंगे लग कैसा रहा है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपको मेरी मदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।